गुड मॉर्निंग मीशो, गुड मॉर्निंग वेकी वेकी। नो, डू वांट टू गो एंड हैव फन? इली इली जाग जाओ। इली, बच्चे सही थके हुए हैं, हालांकि अभी तो हम ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, फिर भी। सो हाउ डिड यू स्लीप? डिड यू स्लीप वेल? यस और नो? बीच, ओके। ओए देखो कर ले मुन्ना, ओ इली उठ गया। थोड़ा थोड़ा सा। वन वेजिटेबल ऑमलेट प्लीज। थैंक यू। वेजिटेबल एंड चीज ऑमलेट, वेजिटेबल एंड चीज ऑमलेट। क्या ले रहे हैं? मिशू के लिए। ओ मिशू वोट भी नहीं खाएगा? ये देखिए आमंड्स भी हैं। Wow, marshmallows, hot dogs and porridge. Can you show me how you eat hot dogs? No, marshmallow. Marshmallow? Cheese or cheese Yummy? No, vegetable and cheese will be thawed. Uh-huh. You want chocolate sauce? No. No? Mama? Take it. Mama, honey? Yeah, this is honey. This is honey, okay? Look at mommy. You're happy? Look at mama. मुझे वो मजा नहीं आ रहा। क्या हुआ? अच्छा तो है। नहीं। No doubt, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बफे ब्रेकफास्ट था, लेकिन आपने इतना स्पॉइल कर दिया है ना। आई स्वेयर यार, 5 स्टार में बैठे खा रहे हैं, उसके बावजूद ये ठीक है आपके खाने के सामने जो आप बना के देंगे? आपने सही स्पॉइल किया हुआ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और घर आ गए हैं। और सारा मैं क्लीन अप करके गई हुई थी, बस वो जो सामान लेके आए ना, बस उसको वापस रखना है और उसको अरेंज करना है, तो वो काम करके ना फिर हम सुकून से थोड़ा बैठ जाएंगे। लंच करने के बाद शाम में देखेंगे फायरवर्क्स देखने के लिए कहाँ जाना है। मेरा प्लान था कि बुर्ज खलीफा जाना है, लेकिन वहाँ पे तो गल्फ न्यूज़ में वीडियो आई हुई है, उफ इतना क्राउड है वहाँ पे, इतना ज़्यादा कि मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तो देखते हैं, हम यहाँ पे लोकली शारजा में भी होते हैं 2-3 जगहों पर आई थिंक, तो लेकिन हमारे घर के पास तो कन्फर्म होता है ना, तो मजाज वाला जो वाटर फ्रंट है वहाँ पे, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे फायरवर्क्स देख लेंगे। बाकी ये है कि हैम्पटन बाय हिल्टन बहुत अच्छी जगह है आपके ना जो है ना वो टेम्परेरी एस्केप के लिए, तो जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, खाना भी अच्छा है और मज़ा आया था, ओवरऑल बहुत मज़ा आया था। सिर्फ ये है कि वहाँ पे हमने कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं किए हैं, वहाँ पे बहुत सारी हैं और हम इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे और लंबा प्लान लेके जाएंगे, 3-4-5 दिन रहने का किसी दिन, या हो सकता है किसी और रिजॉर्ट को ट्राई कर लें। तो वहाँ पे जाएंगे तो फिर ये एक्टिविटीज़ ना करें तो फिर मज़ा नहीं आता, लेकिन हमारे चूँकि जस्ट
जस्ट वन डे का था, तो हम इनको इवन पूल तक में भी लेके नहीं गए क्योंकि फिर वो उधर जाते तो वहीं सारा टाइम स्पेंड हो जाना था, तो हम इधर उधर एक्सप्लोर ना कर पाते। तो खैर बहरहाल, लेकिन हमारा बहुत अच्छा रहा फर्स्ट डे, आज देखते हैं सेकेंड डे कैसा होता है। आधा मेकअप तो मास्क लगा के ख़राब हो गया, या नोज से उतर जाता है और चिन से उतर जाता है, और बाकी का मेकअप अब मैं वॉश करने लगी हूँ क्योंकि जोहर का टाइम हुआ है तो हमने नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद आई थिंक मैं चेंज भी कर लूँगी, मैं कंफर्टेबल कपड़ों में थोड़ा सा ज़रा फिरूंगी और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं उसके बाद। आपको दिखाती हूँ व्हाट्स इन माई बैग। बहुत लोग पूछते हैं कि जी आप क्या कैसे पैक करती हैं, क्या क्या पैक करके लेके जाती हैं, तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके जाती हूँ। एक तो ये कि ज्वेलरी है बेसिक सी, उसके अलावा मेरा जो वाटर स्प्लैश है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का है, और ये है इन द स्टार्स, और इसकी बहुत अच्छी मुझे जो है ना फ्रेग्रेंस लगती है। उसके अलावा पहले दिन मैंने ब्लू बैग लिया था और सेकंड डे वाइट बैग लिया था, तो इसलिए ब्लू बैग जो यूज़ कर लिया था तो उसको मैंने इसमें अपने बैकपैक में डाल दिया था। और इसके अलावा इसके अंदर से ये मेरा नमाज वाला निकला है, ये मैं ऊपर पहन के ना तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और उसके अलावा चार्जर्स, हेडफोन और ये बेल्ट, वॉलेट, बस ये चीज़ें, और हेयर ब्रश। तो ये मेरा बैग है, ये बहुत प्यारा है, ये मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से लिया था, लेकिन ये कि शीक इन पैरिस उस पर लिखा हुआ, ये सारे सीक्वेंस है, इतना ये तो खूबसूरत बैग है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेकअप में जो सिंपल ये मेरे पास आई शेडोज़ हैं, और साथ में ये मेरा फेस पाउडर है, ये चूँकि इसका लिड टूटी हुई है तो मैंने इसे डाल के रखा होता है कि इस तरह से अगर इसका पाउडर गिरे तो मेरी बाकी चीज़ें ना ख़राब हों। उसके अलावा ये है ब्लश ऑन, मेरी फाउंडेशन, प्राइमर, मस्कारा और आईलाइनर, और ये आई पेंसिल। ठीक है, अब ये मैं आपको मस्कारा दिखाती हूँ। दो मस्काराज हैं मेरे पास, एक ये जो मस्कारा है ना ये तो नॉर्मल में यूज़ करने के लिए, और ये वाला जो है ना ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गया हुआ, तो इससे मैं आईब्राउज को शेप कर लेती हूँ, मतलब वो जो जब फाउंडेशन या पाउडर लगाते हैं ना तो उसके बाद वो थोड़ी सी ऐसे ग्रे सी हो जाती हैं, तो उसको मैं मतलब इससे जो शेप दे लेती हूँ, तो शेप आ जाती है ऊपर से डार्क हो जाती हैं, तो ये भी एक ट्रिक होता है अगर आपने अपनी आईब्राउज जो है ना वो अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी क्विकली करनी है तो, मॉमी मेथड्स। अच्छा जी, साथ में ये हैं मेकअप ब्रशेस आईज़ के लिए, और दो लिपस्टिक्स लेके गई थी, और ये कंसीलर, ब्रश, मिशारी को जो है ना वो चोट लग गई थी, गिर गया था। अच्छा जी, उसके अलावा मैं ये लेके गई थी ब्यूटी ब्लेंडर, और उसके अलावा ये मेरा आई शेडो पैलेट है। सो ये मैं लेके गई थी सात चीज़ें, और क्योंकि ज़रा मेकअप करना था तो वरना मैं ये भी ना लेके जाती, एक दिन का प्लान था, तो चले जी इनको समेट लेते हैं, इनको मैं वापस रख लेती हूँ और आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सयामी को ये लेगो का गिफ्ट मिला था ना ईदी मिली थी, तो बच्चों को यहाँ पे हम पैसे नहीं देते क्योंकि हमारे साथ ही उन्होंने जाना है, तो जो उन्हें चाहिए हो ना वो ले देते हैं, इसमें मेरे बच्चे एटलीस्ट ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये थे हामी ने, माशाल्लाह आज हम दोपहर में आए हैं तब से लेके अब तक इतनी सारी बना भी लिए थे, गुड जॉब। टू मोर है ना, हाँ वाह यार गुड जॉब थे हामी, बहुत बड़ा ट्रक है ना ये, अभी तो और भी एक्सटेंड होगा सामने। अच्छा अच्छा, ये इस तरह का है टोटल, तो हम ही ने ये पार्ट बनाया अभी, और ये सारा आगे वाला और ये ऊपर वाला बन रहा है। घर आने के बाद लॉन्गेस्ट ब्रेक एवर लिया मैंने, और हमने क्या किया है, मंगवाया बाहर से खाना, फिलाफिल सैंडविच मैंने मंगवाया था बच्चों के लिए, पिज्ज़ा मंगवा लिया था वो हमने खाया, और शहजाद को भूख नहीं थी, उन्होंने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया हुआ था, तो उसके बाद फिर हम ना सो गए, इतना बुरा हाल हुआ, मैंने सोचा कि मैं ना वीडियो एडिट कर लेती हूँ, और मैं लैपटॉप पे गोद में रखा हुआ रही हूँ, सो रही हूँ, बार बार गिर रही हूँ, तो उधर शराब सोफे पे लेटे सो रहे थे, हमने सोचा कि चलो सो जाते हैं, बच्चों का तो आपको पता है बच्चे ऐसे कभी भी मेरे तो यहाँ वहाँ सोते ही नहीं है, वो चलते रहेंगे फिरते रहेंगे, लेकिन उनकी बस हुई होती है, तो हमने कहा चलो सो जाते हैं। फिर हम सो गए, अभी रात के 9 बज रहे हैं, और मगरिब के बाद फिर ईशा भी हमने पढ़ लिया, नमाजों से फ्री हो गए हैं, और ये सारा सामान है अभी तक नहीं मैंने समेटा, तो मैं सोची थी कि इसको ना मैं कल समेटती हूँ, तो दिल चाह रहा है कि बाहर चले जाते हैं बच्चों को ले जाते हैं, तो हम 9 बज रहे हैं, तो इन्होंने ना मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जाना है, तो लेट्स सी अभी पता नहीं फायरवर्क्स का भी क्या सीन है, ऑनलाइन हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि शारजा में फायरवर्क्स कहाँ है, शहजाद कहीं निकले बाहर प्लीज़।
इनको राइड से ला देते हैं। एक्चुअली हम लोग वहाँ पे इतना एंजॉय करके आए ना कि इधर आके ऐसे लग रहा है कि ईद ही नहीं पता चल रही, ईद ही नहीं पता चल रही, ऐसे ही है ना। वैसे वहाँ बहुत मजा आया ना, है ना। हाँ, बाकी ये कि मुझे दुबई की मैं देख रही थी, वो एक वीडियो रिलीज हुई हुई है दुबई मॉल की, अल्लाह माफ़ करे इतना रश है, इतना रश है। और सारे बैचलर्स मतलब जो यहाँ वर्कर्स वगैरह फैमिलीज के रहते हैं तो उनकी भी तो ईद होती है, उन्होंने भी इंजॉय करना होता है। उफ, ऐसे रश है दुबई मॉल में, वो दूर से ऊपर से फुटेज है और ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई रेलवे स्टेशन है, इस पर लोग जा रहे हैं। मैं अभी क्लिप वो ऐड कर दूंगी। तो ये सब देख के हम इतना डर गए, वरना पूरा प्लान था कि हम जाके ना बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स देखेंगे और वहाँ पे वाटर फाउंटेन शो होता है विद म्यूजिक एंड ऑल, तो वो देखेंगे और वहीं पे बैठ के किसी अच्छी से कैफे में हम लोग खाना खाएंगे। तो मेरा ख्याल है शहजाद जो हमारी जो दौड़ जहाँ तक है ना वो है, नहीं मैं प्लान नहीं बना रही, ये जो मेरे माइंड में था और वो पूरा नहीं हुआ। तो मैं सोच रही हूँ वो उधर चले जाए, क्या नाम है उसका मॉल, कौन सा, सहारा मॉल। हाँ तो सहारा मॉल ही चलते हैं, वहीं पे बच्चों को राइड दिला देंगे, बस करते हैं ना। तो सहारा मॉल चलते हैं और फिर उधर जाके ना खाना शाना खा लेते हैं। और इसीलिए मैं इनकी आवाज़ म्यूट करके उसके ऊपर वॉइस ओवर करती हूँ। उधर देखा है आपने ये जो टुकड़े लगाते रहते हैं, इसलिए मैंने वो देख के भी म्यूट हो गई है, मैंने बैकग्राउंड में म्यूट कर दिया और सामने आवाज आ रही है। कैमरा मुझे दोबारा ऑन करना पड़ा आपको दिखाने के लिए कि ये हम हैं, इतने बेचारे अच्छे पेरेंट्स के थके टूटे हुए भी हम इनको ईद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मिशारी, लेट्स गो टू अ मॉल, हैव सम मैकडॉनल्ड्स एंड देन राइड्स। हाँ जी, इसने अभी ये कहा था, जिस वजह से मुझे कैमरा ऑन करना पड़ा है कि यहाँ पे हाल देखें। और अभी मैं आपको हामी का भी दिखाती हूँ, उसका भी कोई मूड नहीं है। कितना हो गया पे कल हम लोगों ने ना बहुत वॉक किया, वो सब मैंने व्लॉग नहीं किया और पूरे के पूरे होटल में हम लोग इतना फिरे हैं कि बस कोई हद नहीं है। चल ठीक है, अभी मैं हल्की सी पोजीशन चेंज करूंगा ना, मुझे अपनी थाइज में और शिन्स में इतनी पेन हो रही है। चलो ईद मुबारक है हमें, ईद मुबारक। इट्स नॉट फेयर यार, यू आर वाचिंग सच मॉर्निंग, इट्स माय टर्न नाउ। मिशारी रिमोट अपने पास रख के बैठा होता है। अच्छा है, मजे का है ना शिवा। वाह वाह गुडू, वाह 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 वाह। देखो ना क्या हो गया, देखो तो क्रेजी बॉय। धोखेबाज लड़के ने ये मंगवाए थे राइस और मैंने ये मंगवाया था, और अब इस धोखेबाज लड़के ने मेरे साथ एक्सचेंज कर लिया ये। अब मुझे खाने हैं राइस और इस धोखेबाज लड़के को खाने हैं ये मीट। नहीं नहीं बस मैं ये खाऊंगी सर। वो आपकी मर्जी है लेकिन ये टिक्का नहीं खाएगा। आई नो खा सकता है, इसलिए मैं आपको मैं इतना नहीं खाऊंगी ना, बात सुन ले पहले। ओके वेस्ट हो जाएगा, जब आपको पता टिक्का जब ठंडा हो जाता है वेस्ट है, ये यही खाएगा। He will not even touch this. I'm telling you from before. आपने इतना टाइम वेस्ट किया लेकिन एंड पे मेरा जवाब वही है कि मैंने नहीं खाना। आप लोग अपने जाके स्पून लेकर आए, आप तीन चमचियों से खाएंगे, आपके तीन मुंह हैं। नहीं नहीं बाबा, एक काम, मेरा मुंह एक ही है लेकिन खाना मेरा तीन चमचों से। बाबा क्या करेंगे, एक स्पून यहाँ एक स्पून यहाँ एक स्पून यहाँ। वाह वाह, त्यामी जिसके चमचे लगे होते हैं। वैसे रमजान में ना हम खाने पहले बना के बैठ जाते थे दुआ करने, तो ये मुझे लगता है कि ये वही हमें आदत पड़ गई कि ये भी हमने ठंडा करके खाना है ना। कुछ कह रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही। इतना मजे का फूड है ना ये नवाब हांडी, जिसने ट्राई नहीं किया जरूर ट्राई करें, बहुत मजे का है। और ना ईद का सेकेंड डे है आज, मैं घर पे कुछ नहीं बना रही, शिजाद भी बोले थे कि मजे करो, कल मैं घर पे खाना बनाऊंगी क्योंकि बहुत दिनों से बाहर से खा लिया है ना, ईद का पहला दिन भी दूसरा दिन भी, तो आज जो है ना मजा आ रहा है खाना खाने का। लेकिन
बहुत मजे का वहाँ पे भी खाए नवाब हांडी। नवाब हांडी खाए मैंने। हाँ जी आपने नवाब नायाब हांडी खुद भी नवाब बने हुए नवाब हांडी देखे कैसे टॉन्ट मारता है पीछे फ्रेडी मुझे देख रहे हैं फ्रेडी हर जगह लगाया।